रिलीज है, अगर इस गाने को पूरा सुना जाए। गलत नहीं। और कुछ लोग कमेंट में कुछ कुछ गलत भी लिख रहे हैं। हाँ तो भाई, लोकेश सिंह राणा सुपर भैया, सिंटू यादव जी, थोड़ा सा समझ बुझ कर लिखिए। और क्या होता है कि किसी को भी, चाहे कोई भी कलाकार हो, गाली गलौज नहीं, जात पात नहीं, हाँ ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरा कोई पोस्ट भी मैं डाल रहा हूँ तो उसपे बहुत सारे लोग कुछ अलग टाइप से लिख रहे हैं। मुझे एक मीडिया वाले ने पूछा, देखिए जब बात जब खुल रहा है तो मैं थोड़ा क्लियर ही कर दूं, मैं चाह ही रहा था कि इस पे बात करूं। और कमेंट में भी लोग लिख रहे हैं कि आप इधर पक्ष लेते हैं या ये लेते हैं वो लेते हैं, तो मैं ये बता दूं कि मेरे साथ 250 से ऊपर गाना लिख चुका है, लगभग 300 गाना लिख चुका है। उसका नाम क्या है? अमन अलबेला यादव। अब कुछ मेरे लिए सारे फैंस एक समान है, चाहे वो यादव हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी जाति, सभी जाति के लिए मैं बात बोल रहा हूं। कलाकार किसी एक का होता ही नहीं, सभी का होता है। ये माइंड में नहीं रखना है किसी को कि ये बोला जाए, उनके कमेंट पे गाली देना चाहिए, उनके पोस्ट पे ये लिखना चाहिए, इससे क्या होगा भाई? इससे आप अपना सोच को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब बताइए कि अगर मेरे अंदर या कुछ होता तो मेरे साथ ये 24 घंटा रहता है अमन अलबेला। और 300 गाना लगभग, 2-4 कम होगा, लेकिन मैंने लिख दिया। अगर ऐसा होता तो हम रहते ही नहीं इतना दिन। ककोलत के झरना से लेके हियो मगैया, सोनमंग नथुनिया, घाराम बोलनी, जन्मे से रंगदार, 16 सुख सड़िए, कलकत्वा से ले सजनमा, राइफल के नोक पे, चुमा लिबोठवा पे, ललटेन, पता नहीं अनगिनत गाना हिट दिए भैया के साथ, लगभग 300 गाना लिखे। तो ऐसा नहीं है, अगर होता तो कोई भी कलाकार जातिवाद नहीं करता इंडस्ट्री में, भोजपुरी में कोई भी नहीं करता है, न किसी का चलेगा, इतना जान लिए। सब कोई चाहता है कि नहीं हम आगे बढ़े, सबका सम्मान करें। कलाकार क्या होता है? दिल बहलाने का काम करते हैं, दिल दुखाने का नहीं। आप लोग कभी भी मत लड़िए, कोई भी कलाकार हो, किन्हीं को मत गाली दीजिए, बड़े हो छोटे हो, गाली गलौज नहीं। अच्छा नहीं लगा मत सुनिए, ये नहीं कि आप इनको गाली दे रहे हैं, कुछ यादव है तो उनको गाली दे रहे हैं, कुछ वो है तो नहीं। हम यादव हैं, लिख रहे हैं। ककोलत के झरना से मेरा ये चालू है, आज तक हम लोग ने भाई जैसा 24 घंटा रहते हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि जातिवाद नहीं, एक गाना बनाने में हम लोग कम से कम 20 लोग 30 लोग काम करते हैं, जहाँ म्यूजिक बना रहे हैं आलिया शर्मा, पता नहीं कसम से मुझे नहीं पता है कौन जाते हैं, शर्मा से लगता है बड़ी होंगे चाहे तो, या भूमिहार होंगे, मैंने शर्मा से टाइटल से, चाहे कोई भी जो भी हो हमको नहीं पता है। दुबे जी मेरे साथ है, उनके साथ जो है जिम ट्रेनर, रिकॉर्डिस्ट अंकित अहिर यादव, हम लोग म्यूजिक से लेके मेकअप मैन, कोरियोग्राफर, बहुत सारे लोग का सहयोग रहता है एक गाना को हिट कराने में। तो कैसे चलेगा जातिवाद? नहीं चल सकता। यहाँ तक कि नहीं, किन्हीं का नहीं चल सकता। एक ऑटो ड्राइवर अगर सोचे जातिवाद तो कितना पैसेंजर बैठाएगा सुबह से, बेचारा भूखे मर जाएगा वो। जातिवाद अगर पूछ के वो टेम्पो पर सवारी बैठा हुए पैसेंजर, तो बेचारा भूखे मर जाएगा। किन्हीं का नहीं चलेगा। अगर डॉक्टर की बात हो तो जाति पूछ के इलाज करे तो पेशेंट मर जाएगा सर, नहीं हो पाएगा। बहुत बड़ा बात बोला। और दूसरी बात, कोई टीचर अगर जाति पूछ के ज्ञान दे, शिक्षा दे, तो समझे कि कहाँ से गरीब घर के लोग और छोटे तबके के लोग कैसे ऊपर चले जाते हैं पढ़ लिख, उनका बाजार चल जाएगा कैसे? नहीं चलेगा। इतना स्टूडेंट आएगा एक जाति का, कभी नहीं। यहाँ जात पात कुछ है, कुछ भी नहीं है। कोई भी, मैं कह रहा हूँ ना कि कोई भी कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री में जात पात नहीं करता है। अगर कोई कहता है तो यूट्यूबर ये अपने व्यूवर बढ़ाने के लिए कुछ बोलता है, जाति बात होता है, यह होता है। 3 साल में कैसे रहता भैया के साथ? राइटर में बाद में हूँ मैं, पहले भाई हूँ और दिल में बसते हैं इनका, सब नहीं होता। मेरा घर जाता है, घर में रहता है। और मेरे साथ एक और राइटर मनीष रोहतासी। अब बताइए कि अगर कोई कहता कि आप तो अपने साथ सिर्फ अपने ही जाति के लोग रखते, अब मेरे साथ जो ट्रेनर है वो दुबे जी है, सब अलग अलग, सब जाति के लोग मेरे साथ रहते हैं 24 घंटा। मैं, मेरा गांव में ही मैं बता देता हूँ एक बात, मेरा गांव जो है वहां मात्र हम लोग दो ही घर हैं,
पूरे 100 से बंद करो भाई, 100 से ऊपर यादव भाई लोग हैं, 100 से ऊपर घर। लेकिन मुझे कितना प्यार मिलता है अपने गांव से, किसी के घर में बेटा बनकर, किसी के घर भतीजा बनकर, कोई मुझे पोता कहता है, कोई मुझे देवर कहती है, भौजाई, होली खेलते हैं जाके घर में, केकरो दही खाते हैं, केकरो दूध खाते हैं, कहीं बैठते हैं, क्या नहीं करते, हम लोग घूमते फिरते हैं, गांव जब जाते हैं तो कहाँ जाएंगे, और मुझे इतना प्यार करते हैं लोग कि मैं आजीवन आभारी रहूंगा। तो क्या जात पात कहाँ से आ गया यार, ये जात पात दिमाग में कहाँ से भर लिए आप लोग की, गुंजन सिंह के कमेंट पे गाड़ी देना है। आप गाना सुनते हैं तो क्या सोच के सुनते हैं कि इनका है तो हम इन्हीं का गाना सुनेंगे, और गाना जब हिट हो जाता है, अभी ललटेन बज रहा है तो क्या कौन नहीं सुन रहा है, चाहे किसी का भी गाना हो, हाँ, कोई भी कलाकार, किसी भी कलाकार का जो गाना हिट हो जाता है, ये थोड़ी है कि कुछ इसमें। अब देखिए एक आदमी लिख रहे हैं कुछ अलग बात लिख रहे हैं, भाई सब गलत बात है, आपकी जो सोच में भर गया है ना कि ऐसा है वैसा। जितेश यादव जी देखिए, लव यू बॉस भाई मेरा। अब एक और उदाहरण देना चाहता हूँ मैं, थोड़ा जुड़े रहिए आप लोग और शेयर भी करते रहिए। ये मनीष रोहतासी यादव है, 8 साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, 8-9 साल हो गया। ये सब रहता हम लोगों के दिल में या छल कपट या जो भी कुछ हो भैया के हम लोगों के प्रति, तो 8-9-10 साल होने वाला है हम लोग ऐसा करते ये सब सोचना नहीं है।